नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी सब शामिल हो चुके हैं आईएफएस एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है आपको सामने दिख रहा होगा, एंटी सुपरस्टिशन लॉ इन इंडिया। जी हाँ, हमें एक ऐसे नियम, एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो हमारे समाज में फैली हुई इस समस्या से निपट सके। हमें इस वक्त एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाल सके। आखिर अंधविश्वास से बाहर निकालने का क्या कानून ही एक तरीका हो सकता है? नहीं, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है अपने आप को, खुद को इस लायक बनाना, खुद को बेहतर बनाना, अपनी मानसिक स्थिति को साइंटिफिक चीजों की रिसर्च की तरफ अपने आप को लगाना। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आज के टाइम पर आपको पता है हम लोग नज़र बट्टू लगा देते हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, बट कुछ लोग इसको धार्मिक उससे देखते हैं, कुछ लोग इसको क्या एक अंधविश्वास के रूप में देखते हैं। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा बच्चों को काला टीका लगा दिया जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ये छोटी छोटी चीज़ें, बिल्ली का रास्ता काट जाना है ना, सड़क किनारे कहीं पर कोई सामान छोड़ जाना, ठीक है, कहीं वो काली सी गुड़िया बनाकर छोड़ जाना, कहीं नींबू काट के छोड़ जाना सड़क पर, तो ये जो समस्याएं हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं लोगों में अंधविश्वास फैलाने का काम करती हैं, उन समस्याओं से हमें जूझना है, उन समस्याओं से हमें लड़ना है, उन समस्याओं से निजात पानी है। अगर बात करें हाल ही में, तो हाल ही में केरल में एक इंसिडेंट हुआ। केरल एक ऐसा राज्य है जो बहुत ज्यादा अपने आप में डेवलप है, जहां पर बहुत ज्यादा एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं दोनों की ही बात कर रहा हूं, एजुकेशन और लिटरेसी, इवन कंप्यूटर लिटरेसी भी सबसे ज्यादा केरल में ही है। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने ज्यादा डेवलप कंडीशन में आने के बावजूद भी लोग अंधविश्वास में आकर विच हंटिंग के नाम पर दो महिलाओं को मार देते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये सोचने लायक बात है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इसी टॉपिक के बारे में, क्या हमें सच में इस तरीके के कुछ नियम कायदे कानून लाने जरूरी हैं? आपने देखा होगा पंजाब में से बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था कई लोगों को लेकर, जहां पर यह दिखाया जा रहा था लोग बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज केवल और केवल कुछ धार्मिक शब्द बोलकर कर देते हैं। एक पर्सन के द्वारा बस हाथ सामने रखकर फूंक मारी जाती है और हालेलुया बोला जाता है और सामने वाले की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इट्स मतलब आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? किसी के कैंसर का इलाज केवल ऐसे हाथ लगाकर फूंक मारने से हो जाएगा क्या? क्या केवल एक धार्मिक शब्द को बोलने से ऐसा हो जाएगा? हम लोग आज उसी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। यह एक तरीके का सच में बहुत बड़ा स्कैम है हमारे साथ। मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूं, मैं किसी धर्म गुरु के विरुद्ध नहीं हूं, पर कई लोगों ने इस चीज का फायदा उठाकर अपने आप को एक धर्म गुरु के रूप में स्थापित कर लिया है और आगे चलकर कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, हमारे ही समाज को तोड़ने बिखेरने का काम कर रहे हैं, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि केरल में हाल ही में ये इंसिडेंट हुआ था और इस इंसिडेंट में कुछ महिलाओं को, दो महिलाओं को हत्या कर दी गई। ठीक है, अब ये विच हंटिंग क्या होती है? किसी एक महिला को ये मान लिया जाता है कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, ठीक है, या उसके ऊपर कोई चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल क्या किसी को नुकसान पहुंचा रही है उस महिला के थ्रू। तो ऐसे में उस चुड़ैल को मारने के लिए क्या किया जाता है, उस महिला को मार दिया गया। कई लोगों को आपने देखा हो, कई लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, आप लोगों ने मे बी ये सुना होगा वर्ड, कई लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जो कि एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। कई बार वो लोग अपनी जो उनकी अपनी छवि, अपना जो कैरेक्टर है, वो उसको भूल कर किसी और कैरेक्टर में चले जाते हैं और ऐसे में लोगों को लगता है कि उसके ऊपर किसी तरह के भूत प्रेत का साया है। तो ऐसी ही समस्या भारत में हुई। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग, तो एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग आप हर साल नोटिस कर सकते हैं कि लगातार इस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। ये हमारे पास डेटा है 2012 से लेकर का 2021 तक का डेटा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर विच हंटिंग के द्वारा, यहां पर विच हंटिंग के द्वारा 68 लोगों की हत्या की गई है अब तक इंडिया में। 68 लोगों की हत्या की गई है और 6 लोगों की हत्या की गई है किसके अंतर्गत, ह्यूमन सैक्रिफाइस के अंतर्गत। ह्यूमन सैक्रिफाइस,
अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी मानव की बलि दे देना। ठीक है, अब ये चीज बहुत अजीब लगती है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस जो ईश्वर धर्म का अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है, क्या वो ईश्वर कहेगा कि किसी इंसान की बलि देने से मैं खुश हो सकता हूं या हो सकती हूं? ठीक है, कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति की बलि के ऊपर नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आपने सबको मार दिया तो धर्म बचेगा क्या? हाँ, मैं यहां पे हर एक की बात कर रहा हूं, किसी एक की बात नहीं कर रहा। आपने अगर सबको मार दिया तो बचेगा क्या आपके पास? ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरीके की इस तरह की एक्टिविटी को देखते हो तो आप कहीं ना कहीं आपको उसका विरोध करना बनता है। अगर हम लोग बात करें, ज्यादातर इस तरीके के जो केसेस हैं वो हमें पिछड़े राज्यों में देखने को थोड़ी ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि बिहार, तेलंगाना, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में हमें केसेस देखने को थोड़े ज्यादा मिलते हैं। बट केरल में जो हुआ है वो अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने पर विवश कर देता है हम लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना ज्यादा डेवलप्ड देश, मतलब राज्य, और इतना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला राज्य भी इस तरीके की कंडीशन में आ सकता है या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। 2016 में एक एमपी है राघव लेखपाल जी, उनके द्वारा यहां पर विच हंटिंग को लेकर एक एक्ट लाया गया लोकसभा में, और अफसोसजनक बात यह कि ये पास नहीं हो पाया। जी हाँ, ये पास नहीं हो पाया। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर जो लॉ बनाने वाला राज्य था वो था बिहार। बिहार ने सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि यार हमारे राज्य में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है, अगर इस तरह से घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं का, जो हम लोग बात करते हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं, आप कैसे आगे ला सकते हो महिलाओं को ऐसे में जब इस तरीके की घटनाएं आपके राज्य में हो रही है लगातार, तो आप कैसे महिलाओं को आगे लेकर आ पाओगे? अगर मैं बात करूं यहाँ पे सुपरस्टिशन, ये जो अंधविश्वास है, ये डिफरेंट डिफरेंट उसमें होता है। आप देख सकते हो कौन कौन सी कंडीशंस में ये सब पैदा होता है। ठीक है, आपका फॉल्स फियर है किसी तरीके का, ठीक है, इमेच्योरिटी है, इलिटरेसी है, रिचुअल्स है कोई, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया नजर बट्टू बांधना एक तरह का रिचुअल टाइप का है, ठीक है, कोई फियर है, एंग्जायटी है, ये सारी समस्याएं होती है जिसकी वजह से कोई सुपरस्टिशन पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि बिल्ली जब रास्ता काट जाती है तो कोई अपशगुन होता है। अब आपके सामने से कभी भी कोई बिल्ली रास्ता काटेगी तो आप यही सोचोगे यार कुछ गलत हो सकता है। अभी जो फियर है ना, ये फियर कहीं ना कहीं डर क्या आगे चलकर आपके ऊपर हावी होता है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर असर डालता है, और कुछ भी अगर होगा तो आपको लगेगा यार वो बिल्ली रास्ता काट गई थी ना इसलिए ऐसा हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सुपरस्टिशन की, तो सुपरस्टिशन को हम लोग तीन तरीके से देख सकते हैं। एक होता है आपका पर्सनल लेवल पर, एक होता है आपका कल्चरल लेवल पर, और एक होता है रिलीजियस लेवल पर। पर्सनल लेवल पर फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपको ये लगा कि ये भाई अगर मान लो मैं कोई ऐसे करूंगा, या मैं अगर अच्छे काम करूंगा, या अगर मैं कोई इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, मैं परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, मेरी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, कुछ इस तरीके का सोचना वो पर्सनल सुपरस्टिशन माना जाता है। कल्चरल फॉर एग्जांपल, किसी आप पर्टिकुलर जिस जगह पर रह रहे हो, ठीक है, उस जगह की कोई परंपरा है, कोई कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग माना जाने वाला सुपरस्टिशन, ठीक है, वो कल्चरल हो गया। रिलीजियस, किसी धार्मिक तौर पर बताया गया कोई सुपरस्टिशन। अब सुपरस्टिशन तो बहुत सारे होते हैं, कुछ को हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं, जैसे नजर बट्टू लगाना, बच्चों को काला टीका लगाना, ये सारी चीजें हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं। बट कुछ चीजें नेगेटिवली होती हैं। कैसे? अगर किसी भी तरीके का सुपरस्टिशन किसी दूसरे व्यक्ति की जान माल को हानि पहुंचा रहा है या आपको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे में वो सुपरस्टिशन, वो चीजें क्या हो जाएंगी? गलत मानी जाएंगी। बात समझ में आई? क्लियर? अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये रिक्वायरमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें बहुत एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे खुद से आकर अब ये बोलना पड़ेगा लोगों से कि भैया हमें एक लॉ ऐसा चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया में क्या करे, काम करे। ठीक, पर डिफरेंट डिफरेंट राज्यों ने इसके ऊपर क्या कर रखे, अपने अपने लॉ बना रखे। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि पहला राज्य जो था वो यहाँ पे बिहार था, तो बिहार ने इसके ऊपर कानून बनाया था 1999 में। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या किसी भी तरह की जो ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है, विच हंटिंग होती है, उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से बैन कर दिया गया।
इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को फोर्सफुली क्या कर दिया गया, यहाँ पे बैन कर दिया गया। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है झारखंड, 2001 में इसके द्वारा बनाया गया कानून। ठीक है, इस तरीके के अगर एरियाज में हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि भाई झारखंड बिहार पिछड़े हुए राज्यों में आते हैं, छत्तीसगढ़ पिछड़े हुए राज्यों में आता है, ठीक है, तो यहां पर भी एक लॉ बनाया गया, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग प्रैक्टिस एक्ट। ठीक, अब ये यहां पर जो वर्ड यूज किया जाए वो क्या किया गया, डायन वर्ड यूज किया गया। क्या यूज किया गया, डायन वर्ड यूज किया गया हिंदी में। देन इसके बाद छत्तीसगढ़, 2005 में छत्तीसगढ़ में भी सेम कंडीशन वही थी। ठीक है, इन्होंने ऑलमोस्ट जो लिया है एक्ट वो काफी हद तक बिहार वाले एक्ट को ही क्या किया, अडॉप्ट किया है। काफी हद तक क्या किया है, बिहार वाले एक्ट को ही अडॉप्ट किया है। ये बहुत पुरानी परंपराएं हैं, ध्यान रखना, आज से ऐसा नहीं है कि आज अभी ये हाल ही में शुरू हुआ है ये सब, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका था, बहुत पहले से ऐसा माना जाता था। जैसे मैं अगर आपको बोलूं भूत प्रेत आत्माएं हवाएं, इन सब के बारे में हर एक रिलीजन में बात कही जाती है। अब अगर कोई बोले कि सर ये सारी चीजें केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हर एक रिलीजन में इस तरह की चीजें मिली हैं। डायन, ड्रैकुला, ये कहाँ मिलते हैं, क्रिश्चियनिटी में मिलते हैं हमको, यूरोपियन कंट्रीज में मिले, यूरोपियन कंट्रीज से डायन और ड्रैकुला इंडिया में आए हैं। इंडिया में डायन ड्रैकुला थोड़ी होते थे, अपने याद होते थे, भूत होते थे, राक्षस होते थे, दैत्य होते थे, ठीक है, अपने यहाँ तो ये सब होते थे। अपन तो बोलते भी भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हमारे पास तो एकमात्र ब्रह्मास्त्र है जिसे बोलते ही सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। ठीक है, चलो तो मजाक की बात अलग रखते हैं, बट ये चीज क्या है कि हर एक रिलीजन में हमको देखने को मिलती है। पर जब हम लोग यहाँ पे एक्ट की बात करते हैं तो ये जो एक्ट है ये हर किसी के ऊपर एग्जैक्टली सेम कंडीशन में इंप्लीमेंट होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से कहीं से भी बिलोंग करता हो। ठीक है, फिर उड़ीसा में आया था कब, 2013 में, ठीक है, इसे पास किया गया विच हंटिंग बिल के नाम से। देन उसके बाद महाराष्ट्र आता है सेम टाइम पर, किसी भी तरह की इविल अघोरी प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर क्या की गई, इसमें इन्वॉल्व की गई, किसी भी तरह के काले जादू को भी इसमें क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया। ध्यान रखिएगा, कोई भी इनह्यूमन एक्टिविटी, अघोरी एक्टिविटी, ठीक है, या ब्लैक मैजिक एक्ट जो होंगे वो सब इसमें क्या किए गए थे, इन्वॉल्व किए गए थे 2013 में। क्लियर, ठीक है। यहां पर जो मेन पर्सन थे जो ये लेकर आए थे, इनका नाम क्या था, ध्यान रखना, डॉक्टर धाबोलकर, ध्यान रखना, डॉक्टर धाबोलकर, नरेंद्र धाबोलकर, बहुत फेमस पर्सन, बहुत फेमस पर्सनालिटी, जिन्होंने सुपरस्टिशन को लेकर ऑल ओवर मतलब पूरे इंडिया में मुहिम चलाई थी। इन्हीं की मुहिम के बाद महाराष्ट्र में इस एक्ट को लाया गया था। चले नेक्स्ट, इसके बाद आता है राजस्थान। देखो ये सारे राज्य आपको पता होने चाहिए, इनके इयर्स भी मैंने साथ में लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से पता रहे, अगर कभी आपसे आ जाए तो 100% आप इसका आंसर लगा पाओ, आपके पास इसका एकदम बिल्कुल वैलिड वो होना चाहिए कि हाँ भाई अपने को पता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा एक्ट आया है। देन फाइनली आता है कहाँ, राजस्थान। राजस्थान में भी कब आया है, 2015 में, ठीक है। सेम असम, असम में भी कब आया है, 2015 में, ठीक है, वही प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ विच हंटिंग, क्लियर। देन इसके बाद आता है कर्नाटक 2020 में, ठीक है, ये भी किसके लिए आया था, इनह्यूमन इविल प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखना, देखो हर जगह थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, कुछ जगह पर इनह्यूमन एक्टिविटीज के नाम से और कुछ जगह पर विच हंटिंग के नाम से। अब विच हंटिंग मैंने आपको बताई दिया, इन ह्यूमन में किसी भी ह्यूमन सेक्रीफाइस को क्या कर दिया जाता है, रखा जाता है। क्लियर है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि भैया हमें एक ऐसा आईपीसी की धारा, हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो पूरे देश में एक जैसा काम करे। जैसे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला वन नेशन वन ड्रेस कोड के बारे में, जो वन पुलिस के बारे में जो बात हो रही थी कि भैया पूरे देश में जो पुलिस व्यवस्था है उसकी एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए। अब मेन प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर कि जो सेंटर गवर्नमेंट है अगर वो ऐसा करती है तो ये बोला जाएगा भैया स्टेट जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर गवर्नमेंट क्यों उसमें आ रही है, बीच में अड़ंगा डाल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी क्या है कि भाई अगर सेंटर गवर्नमेंट एक्ट नहीं बना रही है तो राज्य क्या कर सकते हैं, राज्य अपनी सहूलियत के हिसाब से उस एक्ट को बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इनिशिएटिव बिहार ने लिया यहाँ पर,
हाल ही में कर्नाटक ने लिया। तो इस तरीके के एक्ट्स की हमको क्या है, सख्त आवश्यकता है, ताकि इस तरह की होने वाली जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनको पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसी तरह के सुपरस्टिशन होते थे जिसमें कई बार क्या होता था, बच्चियों की, लड़कियों की बलि दे दी जाती थी, ठीक है, पुत्र की चाहत में ऐसा कर दिया जाता था। तो इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, एक बहुत फेमस, आप लोगों ने मे भी सुना होगा, वैसे तो ये चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जिसे बोलते हैं कई बार काला हंडी जादू, या हंडी जादू जिसे बोलते हैं, मैजिक बोलते हैं। अब उस मैजिक की खास बात क्या होती है, मैंने तो कभी देखा नहीं, भगवान की दया से कभी ऐसा कुछ देखने का नौबत ना आए, तो मैंने सुना है कि उसमें क्या होता है, एक हंडी के ऊपर जादू किया जाता है, उस हंडी के ऊपर आग जलती है एंड वो उड़ती हुई उस आदमी के पास जाती है जिस आदमी के नाम पर वो जादू किया जाता है, और वो हंडी से आवाज़ निकलती है 3 बार उस आदमी के दरवाजे पर, और इनकेस उस आदमी ने अगर रिस्पॉन्स कर दिया तो ऐसे में वो हंडी वहीं पर फट जाएगी और विद इन 24 आवर्स उस आदमी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और इनकेस अगर उस आदमी ने 3 आवाज़ों में रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, तो वो हंडी वापस जाएगी और उस आदमी के ऊपर जाकर फूटेगी जिस आदमी ने वो जादू किया था, और उस आदमी की डेथ हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें जब हमको सुनने को मिलती हैं तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है कि क्या आज के टाइम पर भी इतना साइंटिफिक, हम लोग रिसर्च में आगे बढ़ चुके हैं, इतनी साइंटिफिक चीज़ों के थ्योरीज के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, क्या आज भी ऐसा पॉसिबल है, क्या आज भी ऐसा हो सकता है? तो हमारे लिए सोचने वाली बात है, और इवन अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर क्या कंप्लीट रोक लगानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बात समझ में आई? तो कुछ चीज़ें जो हम लोग सोसाइटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती है, उन चीज़ों का हम लोग स्वागत भी करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों का हम लोग स्वागत भी करते हैं, बट कुछ चीज़ें जो कहीं ना कहीं इंसानों को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उन चीज़ों का विरोध करना भी उतना ही ज़रूरी है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ये टॉपिक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड लास्ट में एक सोशल मैसेज, ये वैसे पूरा वीडियो आज का जो था वो सोशल मैसेज पर ही डिपेंड था, ठीक है, बट फिर भी स्टिल सेव वाटर, सेव सॉइल एंड सेव ट्री, ताकि आपका फ्यूचर भी सुरक्षित रहे, सलामत रहे, खुशहाल रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं लेता हूँ विदा। मुझे कमेंट करके बताइए करंट अफेयर का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।